सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 4 फिंगर क्लॉ सेटअप की, यानी कि जो 4 उंगलियां आप यूज करते हो। ये क्या बात करते हैं यार। जो 4 फिंगर क्लॉ सेटअप आप लोग यूज़ करने वाले हो आज की इस वाली वीडियो में, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मेरा 4 फिंगर क्लॉ सेटअप होने वाला है। इसका कंट्रोल कोड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा उंगलियाँ घिसने की ज़रूरत ना पड़े। एंड फटाफट से आप लोग इस कोड को अप्लाई करके मेरे 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके कुछ वो भी बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे अच्छे से यूज़ करना है इसे, एंड किस किस चीज़ को आप लोगों ने इस कंट्रोल में मास्टर करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों का गेम प्ले जो है वो सुधर सके। एंड सच बात बताऊँ तो मैं भी बहुत दिनों से गेम नहीं खेल रहा हूँ, बट अभी मैं कुछ दिनों से गेम खेलना फिर से स्टार्ट किया हूँ। सो एक हफ्ते पहले मैंने गेम फिर से रीइंस्टॉल किया, तो मैंने सोचा भाई इस बार कुछ नया करते हैं। सो मैंने एक नया कंट्रोल ट्राई किया एंड कंट्रोल बहुत ही सही थे। मेरे को सिर्फ एक दिन लगा है और 1 से 2 मैचेस में ही मैंने इसके जो कंट्रोल है उसे मास्टर कर लिया। मुझे बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सो मुझे लगा कि इस कंट्रोल को तो भाई ज़रूर से शेयर करना चाहिए क्योंकि कंट्रोल बहुत ही तगड़े बन गए हैं। सो प्लीज़ भाई वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक के देखना ताकि आप लोगों को कंट्रोल कोड ईजिली मिल जाए एंड अप्लाई भी आप लोग कर लो। एंड वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर से बता देना मुझे। एंड इसी तरीके की और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर कोई टॉपिक हो तो मुझे जरूर से बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। सो और बकवास नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देख सकते हो मैंने कर लिया गेम ओपन एंड फटाफट से चल लेते हैं हम लोग सेटिंग्स की तरफ। एंड फटाफट से मैं आप लोगों को अपने कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। सो मैं लेआउट थर्ड वाला यूज़ करता हूँ बिकॉज ये रिफ्लेक्सेस के लिए बहुत ही सही होता है। कई बंदे फर्स्ट और सेकंड में भी मांगते हैं, बट भाई मैं प्रेफर करता हूँ कि थर्ड ही यूज़ करो। थर्ड इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। एंड प्रू बंदे भी यही बोलते हैं कि थर्ड वाला अच्छा है सबसे ज़्यादा। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये रहे मेरे कुछ कंट्रोल्स निकल के आते हैं। सभी चीज़ों को मैं बता देता हूँ आप लोगों को आराम से। तो मेरा जो फायर बटन है वो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल रहा होगा। एंड मैं इंडेक्स जो अपना छोटा वाला जो फायर बटन रहता है जिसको हम लोग थंब पे रख लेते हैं वो वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ इसी से करता हूँ। अगर आपको रखना है तो उसके लिए मैंने जगह दे रखी है। आप पीक जो अपने पीक के बटन दिख रहे हैं उसके नीचे उसे प्लेस कर सकते हो। अगर आपको करना है तो ऑप्शनल है, अगर नहीं करना मेरे जैसा यूज़ करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एंड देखो मैं सही बात बताऊं तो जो बेसिक हमारा 4 फिंगर क्लॉ सेटअप होता है बस मैंने उसी में थोड़े बहुत चेंजेस लाए हैं। जैसे कि क्राउच और प्रोन का बटन है उसे मैंने ऊपर पहुंचा दिया है स्कोप के आजू बाजू में। एंड पीक एंड फायर को भी मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। बस इसके अलावा मैंने ज़्यादा चेंजेस इस कंट्रोल के सेटअप में नहीं किए इस टाइम पे, बट फिर भी भाई कंट्रोल सेटअप बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है आपको। एंड ये जो गन्स वगैरह है उसे अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन छोटी है या अगर आप कंफर्टेबल हो इसे बीच में रखने में तो आप इसे बीच में भी रख सकते हो। मैंने साइड में इसलिए रखा है क्योंकि मेरी फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है एंड उंगलियाँ पहुँचती नहीं है, तो भाई मैंने सोचा कि साइड में रख दो तो अपने लिए ईजी हो जाता है एंड फटाफट से गन स्विच करना। सो इसलिए मैंने उसको जो है थोड़ा साइड में रखा है। एंड बाकी सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि भाई अपने अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज़ किया करो कंट्रोल्स को, तभी आप लोग अपने बेस्ट कंट्रोल्स ढूंढ पाओगे। एंड ये ट्रूथ है भाई। अगर आप लोग मेरा पूरा एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर लोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं इसे छोड़ने में। सो इसलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते रहा करो कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है। एंड देख सकते हो ये रही अपनी कुछ कंट्रोल सेटअप। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताना। एंड यूज़ हो रहा है ये, अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो मुझे रिव्यू भी देना कि आप लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ तो मैं उस वीडियो में उस चीज़ को जरूर से कवर करूँ। एंड अब फटाफट से मैं आप लोगों को इसका कंट्रोल कोड दे देता हूं। तो अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है ये है इसका कंट्रोल कोड। एंड मुझे पता है कि इस वीडियो में उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कंट्रोल कोड बहुत ज़्यादा दिनों तक के चलने वाला है। एंड अगर ये कंट्रोल कोड पुराना हो जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना ताकि मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बना दूँ और व्यूज़ छाप लूँ, हाँ वही कह सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी ये वीडियो तो एक लाइक कर देना। एंड चैनल पे रीच बिल्कुल नहीं बची है तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चिड़िया क्यों भौंक रही है, चिड़िया क्यों चहक रही है, जो भी है भाई। तो सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए चिड़िया वगैरह बहुत आवाज़ कर रही है। सो इसलिए भाई आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चिड़िया को ध्यान ना दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। एंड वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना, शेयर भी कर देना क्योंकि रीच बढ़ जाए थोड़ी बहुत आपके हिसाब से। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटी सी आउटरो के साथ गुड बाय।